गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके सो आज हम बात करेंगे एक स्टॉक की, ठीक है, जिसका नाम है हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड। ओके होप सबको ट्रेंड लाइन वाला वीडियो सबको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरा एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सब स्टॉक का व्यू देखेंगे और इसका टेक्निकल भी देखेंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा स्टडी किया था तो उसके रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे हेस्टर बायोसाइंस, ठीक है। तो ये करता क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ पोल्ट्री वैक्सीन्स एंड एनिमल वैक्सीन, जो एनिमल वैक्सीन आती है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चर ये कंपनी करती है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि इसका ये एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसको। हम सीधे चलते हैं उसके फंडामेंटल्स, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उसको देख लेते हैं कि कंपनी का क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका मार्केट कैपिटल 1500 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, और बुक वैल्यू 210, ठीक है। आरओसी ज़्यादा है, 30 से ऊपर है, स्टॉक पी 35 है, आरओई काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो लास्ट 3 इयर्स अराउंड 20%। ओके यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे आप देखोगे फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स सेल्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सितंबर 2016 टू जून 2019, ओके सेल्स ग्रो कर रहा है। एक्सपेंस भी यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट भी कंपनी कर रही है, ईपीएस भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कंसोलिडेट बेस पे कि किस तरह से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक अराउंड 30 to 40%, 30% एवरेज, अराउंड 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी रेगुलरली टैक्स पे कर रही है, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसका। और यहाँ पे देख सकते हो सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है इसका, आप देख सकते हैं लास्ट 10 इयर्स का अराउंड 20%, जो काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हो लास्ट 5 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स मीन्स यहाँ पे रिसेंटली भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रही है कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा अच्छे नंबर्स है। यहाँ पे बैलेंस शीट्स भी आप देख सकते हो, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, ठीक है, बोरोइंग इतना नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है इसका। तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, ठीक है। आप इसके एनुअल रिपोर्ट्स और इसके कमेंट्रीज वगैरह, बिजनेस की कमेंट्री आप देख सकते हो इसका, जो उसका 2 प्लांट है, एक इंडिया में है, नेपाल में है, ठीक है, तो और काफ़ी कंट्री में है, 34 कंट्री में इसका नेटवर्क है, तो काफ़ी अच्छा ये ग्रो कर रही है। अभी रिसेंटली अफ्रीका में ये फोकस कर रही है कि वहाँ पे वो बिजनेस ग्रो करना चाह रही है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे
देख सकते हो कि प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट 3 इयर्स में किस तरह से यहाँ पे वो बढ़ रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट वगैरह पढ़ सकते हैं, पिछले 3-4 रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। तो ये था बेसिक्स अबाउट द फंडामेंटल्स। अब चलते हैं सीधा यहाँ पे चार्ट्स पे, ठीक है। तो चार्ट्स में भी काफी अच्छा यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, आप देख सकते हो कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये रेड लाइन यहाँ पे क्रॉस करेगी, मीन्स अराउंड अराउंड आप देख सकते हो 1955, जब भी ये लाइन क्रॉस करेगी तो काफी अच्छा यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छा दिख रहा है, टेक्निकली भी और फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे, काफी अच्छी तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। तो आप देख सकते हो जब भी ये 1955 को क्रॉस करती है वीकली बेसिस पे, तो कितने अपसाइड होने के चांसेस है। तो हम देख सकते हैं 2300, 2500, 2800 तक ये जा सकती है, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो आज के लिए ये इतना ही है। तो होप सबको ये पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये कैसे लग रहा है वीडियो, सब कुछ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो उसका व्यू जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।